हनुमान जी, वो जड़ी बूटियां समस्त योद्धाओं में वितरित कर दीजिए। जी सुषेण जी। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मेरे प्राण लौट आए। शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रतीत होता है अनुज लक्ष्मण पुनः सकुशल है। मेरे पराक्रमी शूर अनुज, तुम्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी लक्ष्मण कि तुम्हारी भाभी मां जीवित है। हाँ लक्ष्मण भैया, जो मैंने देखा था वो सब माया थी। माता पूर्णतः स्वस्थ और सकुशल हैं। हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें उन्हें हृदय ही लगा सकता हूं। Yeah.
आप बारंबार मुझे इन कार्यों का श्रेय देते हैं, परंतु हनुमान जो भी कर पाता है वो आप ही की महिमा का तो परिणाम है प्रभु। प्रभु आपकी शक्ति ही हनुमान की शक्ति है प्रभु। ये स्वप्न है या सत्य है? नहीं, स्वप्न ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस सेना की मृत्यु हो चुकी हो वो कैसे किसी की जय जयकार कर सकती है? इसका अर्थ है काल नेमी असफल हुआ। पिताश्री, मेरे दिव्यास्त्र से कोई कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? बड़े विचित्र हैं वो वानर, हर बार बच जाते हैं और प्रत्येक बार हमें पराजित होना पड़ा। कहीं ये तो बस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद करो मेघनाथ। प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में भी भय व्याप्त है कि वो वनवासी नारायण तो नहीं, कोई नारायण नहीं है वो। हमारे घर के भेद ही हमारी पराजय का कारण बनते हैं। वो द्रोही विभीषण जिसने हमारे योद्धाओं के वध का रहस्य बताया, और अब ये वो द्रोही राज बैर तुषेण जो शत्रुओं का उपचार कर रहा है। परंतु पिताश्री, ये सारे वानर हमारे रक्ष योद्धाओं को कंकर पत्थर की भांति अपने मार्ग से हटाए जा रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे। अब हमें हमारी विजय सुनिश्चित करने है तो अत्यंत प्रभावी युक्ति अपनानी होगी। इस पर भी मैं विचार कर चुका हूँ पुत्र। माता निकुंभला के महायज्ञ से अधिक प्रभावशाली और कुछ नहीं हो सकता। महायज्ञ के पश्चात तुम माता निकुंभला से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो माता पार्वती ने कार्तिकेय को दी थी। ऐसी परम शक्ति जो उस वनवासी को ही नहीं उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर देगी। उचित है पिताश्री। यदि यही एकमात्र उपाय है तो मैं 8 प्रहर में पूर्ण होने वाले माता निकुंभला के महायज्ञ को पूर्ण करूंगा। परंतु इस महायज्ञ के समय पर तो अस्त्र उठाना भी वर्जित है, फिर युद्ध। अब एक क्षण का विलंब किए बिना हम भाभी को उस मायावी राक्षस से मुक्त कराना चाहिए। नहीं होगा युद्ध जब तक तुम्हारा महायज्ञ समाप्त नहीं हो जाता। कोई युद्ध नहीं होगा। यदि हमारी ओर से कोई भी युद्ध भूमि में नहीं गया तो मर्यादा का गुणगान करने वाला वो वनवासी अपने किसी भी योद्धा को हमारी ओर नहीं पढ़ने देगा। निश्चिंत रहो मेघना, तुम जाओ, संपूर्ण करो अपना महायज्ञ। परंतु लंकेश, यदि यज्ञ में शत्रु विघ्न डालने पहुंच गए तो? कैसे पहुंचेंगे वो? मेघनाथ ये यज्ञ सुरक्षित और दुर्गम महानिकुंभला पर्वत पर करेगा, जहां आकाश मार्ग से भी नहीं पहुंचा जा सकता और पाताल मार्ग मेरे और मेघनाथ के सिवाय किसी को ज्ञात नहीं। मैं इस महायज्ञ की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अति मायावी महाशक्तिशाली
चतुर स्तंभ अस्त्रों को नियुक्त करूंगा। परंतु पिताश्री, उन पर तो संपूर्ण लंका टिकी हुई है और इन्होंने तो त्रिकुट पर्वत के तल को थामकर लंका को सुरक्षा प्रदान की है। वर्तमान समय में लंका की सुरक्षा तुम्हारे यज्ञ को सुरक्षित करने से ही होगी, जिसके पूर्ण होते ही तुम अजय बनकर उस वनवासी और उसके अनुज सहित संपूर्ण वानरों का संहार करोगे और इस लंका को संकट से उबारोगे। मेरे पुत्र, आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। शत्रुओं के शिविर में अपने गुप्तचर स्थित करो, जो मुझे वहां होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप की सूचना दे सके। मेरी आशंका के अनुरूप रावण ने कालनेमी को भेजा और अब उसकी मृत्यु के पश्चात रावण किसी और भी बड़ी भयंकर योजना का निर्माण कर रहा होगा। महाराज विभीषण जी, इस समय रावण की योजना से अधिक मुझे रक्षवैद सुषेण जी की चिंता सता रही है, जिनके कारण रावण का प्रयास असफल हुआ। भैया लक्ष्मण और वानर योद्धा पुनः स्वस्थ हुए। यदि ये लंका लौटे तो रावण इनके प्राणों का हनन कर सकता है। तब तो युद्ध के अंत तक उनका हमारी सुरक्षा में ही रहना उचित होगा। आपको शत शत प्रणाम प्रभु। मुझसे जो भी संभव सहायता हो पाएगी मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। शिरोमणि सुषेण जी, आपने पूर्व में ही हमारी बहुत सहायता की है। दुष्ट मेघनाथ ने अनुज लक्ष्मण पर वार करके मेरे हृदय पर आघात किया था। भैया, अब वो मेघनाथ जब भी युद्ध के लिए आएगा मैं अपने बाणों से उसका संहार कर उस मायावी को उचित दंड दूंगा। माया के कुचक्र को रचने में मेघनाथ की सहायता करने वाले दुष्ट विद्युत जिह्वा ने माता सीता के मायावी रूप को उत्पन्न कर मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस कर मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता मोल ली है, जिसके दंड स्वरूप मैं उसका वध करूंगा। मैं उसका वध करूंगा। अर्थात उस तुच्छ वानर ने विद्युत जीवा का वध करने की शपथ ली है। उस तुच्छ वानर के क्रोध का लाभ अवश्य उठाएगा ये रावण। अब विद्युत जीवा की माया ही उस तुच्छ वानर को भ्रमित करेगी, परंतु उससे पूर्व मेघनाथ का यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए तब तक तुम उस वनवासी और उसकी सेना पर दृष्टि रखोगे और जो भी महत्वपूर्ण समाचार हो वो मुझे लाकर दो। प्रभु, विद्युत जीवा की माया असफल हुई, मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र निरस्त हुआ, काल नेमी का कालकूट विष कोई हानि नहीं पहुंचा सका, तब भी लंकेश शांत है। इसका एक ही अर्थ है, किसी और कपट योजना का निर्माण अवश्य कर चुके हैं। महाराज, आपकी योजना के अनुसार युवराज मेघनाथ ने माता की प्रतिमा के समक्ष अपने समस्त अस्त्रों को रखकर 8 प्रहरों का महायज्ञ प्रारंभ कर दिया है।
चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं स्वाहा। महाराज, आपके आदेश अनुसार युवराज मेघनाथ के यज्ञ की रक्षा हेतु पर्वत के चारों ओर चतुर्स्तंभासुरों को स्थापित कर दिया गया है। नील स्तंभासुर उत्तर दिशा की रक्षा करेगा, क्रोध स्तंभासुर पूर्व दिशा की ओर, दंत स्तंभासुर पश्चिम दिशा और महा स्तंभासुर दक्षिण दिशा की ओर अपनी दृष्टि रखेगा। परंतु क्या योजना बनाई होगी उसने, और उसकी योजना को निष्फल करने के लिए क्या करें हम? जब तक रावण अपनी योजना उजागर नहीं करता, तब तक हम प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक्षा करो, करो प्रतीक्षा और क्षण की वनवासी। जब 8 प्रहर के महायज्ञ के पश्चात तुम्हारी मृत्यु बनकर आएगा मेरा पुत्र मेघनाथ। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हवन अग्नि के समक्ष महाजाप करके अति विनाशक शक्ति को साधने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो अवश्य रावण के कहने पर मेघनाथ ही महायज्ञ कर किसी संहारक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा होगा। राक्षस गुप्तचर पक्षी के रूप में, अच्छा तो ये भी है यहाँ। कदाचित इसी कारण भोर से संध्या तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी कोई भी राक्षस युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रभु, मेरे सुझाव में हमें लंका पर आक्रमण करके उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करना चाहिए। मेरे विचार से हमारे इस धर्म युद्ध की ज्वाला में लंका की स्त्रियां और बालकों के निर्दोष जीवन को भस्म करने का अधर्म करना सर्वथा अनुचित होगा। हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ऐसी अचूक योजना का सृजन कर चुका हूं जिसका शत्रु कल्पना भी नहीं कर सकता। इनकी योजना ज्ञात करने के लिए मेरा इनके समीप जाना आवश्यक है। सखा, अरे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दे वानर, छोड़ छोड़ वानर, छोड़ 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 वानर, छोड़। इस रक्ष गुप्तचर को पकड़ने की मेरी योजना तो सफल हुई। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। छोड़ दे वानर, मुझे छोड़ दे। तुम यहाँ आए थे हमारे भेद ज्ञात करने, परंतु अब तुम हमें रावण के भेद बताओगे। बोलो, क्या कुचक्र रच रहा है वो? नहीं, नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो फिर ठीक है। आ, 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 आ,
छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बस मुझे यही ज्ञात है कि युवराज किसी महायज्ञ में लीन है और लंकेश उस यज्ञ के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात आपका अनुमान सही था। अनुमान अवश्य, वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। इससे पूर्व कि वो दुष्ट मेघनाद अपने यज्ञ से कोई महाघाती संहारक अस्त्र प्राप्त कर ले, मुझे उसे किसी भी प्रकार से रोकना होगा। छली और कपटी प्रवृत्ति के मनुष्य अपना कुकर्म नहीं छोड़ते और सज्जन एवं उदार प्रवृत्ति के मनुष्य अपना धर्म।